हेलो दोस्तों, आज है 20 अप्रैल। जो आज की करंट अफेयर्स की चर्चा है हम उसको कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ना चाहते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तो आप जुड़ सकते हैं बाय सर्चिंग सौरभ पांडे। तो आइए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा वर्ष अब तक का सबसे ज़्यादा गर्म वर्ष हो सकता है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर ए, 2021। देखिए, हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2021 अब तक का सबसे ज़्यादा गर्म साल हो सकता है, क्योंकि पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस का उत्सर्जन लगातार बढ़ता जा रहा है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने हाल ही में अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप के बीच दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही सभी प्रक्रियाओं पर रोक लगा दी है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर सी, सुप्रीम कोर्ट। देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अमेजॉन और फ्यूचर ग्रुप के बीच दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही सभी प्रतियोगिताओं पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस RF नरीमन, BR गवई और ऋषिकेश राय की बेंच ने अमेजॉन की अपील पर यह फैसला सुनाया है। अगला क्वेश्चन, नेशनल अवार्ड विनर फिल्म मेकर सुमित्रा भावे का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? इसका जो राइट आंसर आंसर नंबर सी, 82 वर्ष की उम्र में। देखिए, नेशनल अवार्ड विनर फिल्म मेकर सुमित्रा भावे का हाल ही में पुणे में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें 2017 में 64वें नेशनल फिल्म अवार्ड के दौरान इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उन्होंने वर्ष 1995 में शॉर्ट फिल्म बाई महिला से फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे उम्रदराज महिला का नाम बताइए जिनका हाल ही में 119 साल 6 महीने की उम्र में निधन हो गया है? इसका जो राइट आंसर आंसर नंबर बी, बच्चन कौर। देखिए, विश्व के सबसे उम्रदराज महिला बच्चन कौर का हाल ही में 119 साल 6 महीने की उम्र में निधन हो गया है। वे पंजाब के मोहाली जिले में कस्बा बनोड़ के गांव मोटे माजरा की निवासी थीं। उनका जन्म 1901 में हुआ था। उनके पति स्वर्गीय जीवन सिंह ने दोनों विश्व युद्ध लड़े थे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कंपनी के सह संस्थापक चार्ल्स चक गेस्के का हाल ही में निधन हो गया है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर सी, एडोब। देखिए, एडोब कंपनी के सह संस्थापक चार्ल्स चक गेस्के का हाल ही में 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट तकनीक या PDF विकसित करने में मदद की थी। उनका पहला उत्पाद एडोब पोस्ट स्क्रिप्ट था, जो एक नवीन तकनीक थी। अगला क्वेश्चन, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव ने किस राज्य में 200 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे की उत्पादन क्षमता वाला एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर बी, गुजरात। देखिए, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव ने गुजरात के कलोल स्थित अपने कारखाने में 200 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे की उत्पादन क्षमता वाला एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की है, जिससे अस्पतालों को ऑक्सीजन मुफ्त में दिया जाएगा। इस कारखाने से तैयार होने वाले एक ऑक्सीजन सिलेंडर में 46.7 लीटर ऑक्सीजन होगी। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भीमराव अम्बेडकर के जीवन पर आधारित कितनी किताबों का विमोचन किया है? इसका जो राइट आंसर आंसर नंबर बी, 4 किताबें। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले कानून मंत्री बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को उनकी जयंती पर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित 4 किताबों का विमोचन किया है। ये किताबें किशोर मकवाना ने लिखी हैं। देखिए, जो अगला क्वेश्चन है वो है, इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में इनमें से कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर डी, स्वीडन। देखिए, हाल ही में फेसबुक समावेशी इंटरनेट सूचकांक में 120 देशों की सूची में स्वीडन पहले स्थान पर रहा है। इस इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में भारत के साथ थाईलैंड भी 49वें स्थान पर रहा है, जबकि अमेरिका और स्पेन दूसरे स्थान पर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य टॉपिक पे। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।